सब्सक्राइब करें टेक इन्फो चैनल को लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं टेक इन्फो। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो है जो विंडोज़ 10 अपडेट, जो कि दोस्तों आप सभी को पता होगा कि विंडोज़ 10 का जो अपडेट होता है वो पीछे होता रहता है, तो उसके बारे में बात करेंगे और मैं आपको उसको आज डिसेबल करने का तरीका भी बताऊंगा कि आप उसे कैसे डिसेबल कर सकते हैं। दोस्तों, जो पीछे जो अपडेट हो रहा है ये, तो इसमें आपका अगर लिमिट वाला नेट होता है तो वो आपके बहुत सारे MB वगैरह भी ज़्यान करता रहता है। ये अपडेट में इतना कोई फ़ायदा भी दोस्तों नहीं हो रहा होता है, लेकिन आपके MB वगैरह बहुत सारे ज़ाया करता रहता है। तो चलिए आज इसके बारे में दोस्तों सीखते हैं। दोस्तों, आप दिस PC पे जाएं और प्रॉपर्टीज़ पर जाएं। प्रॉपर्टीज़ को आप देखें अभी दोस्तों कि मेरे पास जो विंडोज़ वगैरह है ये सारा कुछ यही है। तो अभी दोस्तों ये अपडेट होता रहता है लेकिन कोई भी फ़र्क इस पर नहीं पड़ता है। तो हम आज इसको डिसेबल करने का तरीका मैं आपको दिखाऊंगा, इस जिससे आपका डेटा भी ज़ाया नहीं होगा और आपका जो कंप्यूटर है वो भी स्लो नहीं होता। दोस्तों, जिस PC पे जाएँ, लेफ़्ट क्लिक करें और मैनेजेस पे जाएँ। मैनेजेस पे जाने के बाद ये जब ओपन होगा तो मैं आपको दिखाऊंगा कि आप इसे कैसे डिसेबल कर सकते हैं। दोस्तों, इससे आपका कंप्यूटर की परफॉर्मेंस भी अच्छी रहेगी, क्योंकि पीछे कोई ऐप्स वगैरह नहीं चलेगा तो वो फालतू के ऐप्स डाउनलोड करता रहता है और आपका एक तो इंटरनेट लॉस करता है और दूसरी बात ये कि आपके कंप्यूटर का जो जिस आपके कंप्यूटर को जो फाइल रिक्वायरमेंट भी नहीं होती है वो पीछे इंस्टॉल करता रहता है, तो उसके उसको मतलब स्लो करता रहता है। तो मैं आज आपको इसे डिसेबल करने का तरीका सिखाता हूँ। तो आप सर्विस पर जाएं। आप सर्विस पर जाने के बाद यहाँ पर दोस्तों अब आप विंडोज़ अपडेट होगा, आप उसे उस पर जाएं। विंडोज़ अपडेट दोस्तों पहले अगर आपके पास डिफ़ॉल्ट में होगा तो वो मतलब के इनेबल होगा, मैनुअल होगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि विंडोज़ अपडेट एक दोस्तों यहाँ पर होगा। विंडोज़ अपडेट के नाम पर हम चलते हैं। दोस्तों, मैं विंडोज़ अपडेट के नाम पर जाता हूँ और वहाँ पर मैं आपको दिखाऊँगा कि इसे ये मेरे पास अभी कैसा है और आप सभी दोस्तों को दिखा सकता हूँ मैं। दोस्तों, ये रहा विंडोज़ अपडेट, आप बिल्कुल इस पर ही टैप करेंगे। मैंने इस पर टैप किया तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं कि अभी मैनुअल है, मतलब इसका कि ये जो पीछे से विंडोज़ है मेरे नेट कनेक्शन ऑन होते ही मतलब ये चलने लगता है, जिस ये नेट को भी दोस्तों बहुत सारे MB वगैरह ज़ाया करता रहता है। लेकिन मेरे पास दोस्तों नेट का कोई इशू नहीं है, क्योंकि मेरे पास जो वाईफाई है वो अनलिमिटेड है, मैं डेटा वगैरह यूज़ नहीं करता हूँ, तो वाईफाई का तो मुझे कोई इशू नहीं। आपके पास भी कई दोस्तों के पास अनलिमिटेड नेट होगा, तो नेट का तो दोस्तों इतना खास इशू नहीं है। हाँ, जिसके पास 3G 4G वाला पैकेज है या लिमिट वाला नेट है तो उसको बहुत मसला हो सकता है, तो हमारे पास तो वो मसला नहीं है। लेकिन दोस्तों ये जो लैपटॉप है तो उसको पीछे से ये चलता रहता है, तो इसकी वजह से लैपटॉप की जो चार्जिंग टाइम है, बैटरी भी ज़्यादा वगैरह पीता है और बैटरी को का भी इससे दोस्तों लाइफ कुछ अच्छा हो जाएगा। तो दोस्तों आप मैं आपको देखूँगा आप इसे स्टॉप करें। अब दोस्तों मैं देखें स्टॉप करूँगा तो ये रुक जाएगा। अब ये पीछे से मतलब कोई भी चीज़ चल रहा होता तो उसे को इसने बंद कर दिया है। तो दोस्तों मैं अब दूसरी बार भी स्टॉप इसे करूँगा और फिर मैं आपको दिखाऊँगा। दोस्तों अब देखें ये अब ये स्टार्ट नहीं हो रहा है। अब मैंने एक बार दबा किया तो फिर से ये फौरन ही मतलब स्टार्ट होने से पहले फिर मतलब स्टार्ट हो रहा था, लेकिन अब नहीं हो रहा है। अब ये स्टार्ट पे क्लिक करने के बाद होगा। दोस्तों इसके बाद आप ये मैनुअल है तो इस पे जाएं। अब आपको नीचे एक डिसेबल का ऑप्शन दिख रहा होगा, ये कंपनी जो है उसका मैनुअल पे रखा हुआ होता है, ऑटोमेटिक पे रखा हुआ होता है, मतलब किस पे भी रखा होता है। आप इसे डिसेबल पे टैप करके अब आप इसे अप्लाई करके ओके कर दें। अब अप्लाई करके ओके कर देने के बाद आपका ये दोस्तों देखें डिसेबल हो चुका है, अब आपके पास ये नहीं चलेगा। अगर आपको दोस्तों फिर भी कभी मतलब शक हो कि आपका कंप्यूटर बहुत स्लो है या क्या है, तो ये दोस्तों कभी कभी फिर भी ऑन हो जाता है,
मतलब पावर ऑफ करने के बाद कभी कभी से ये फिर से भी ऑन हो जाता है। तो आपको मैंने अब तरीका दोस्तों बता दिया है, तो आप इससे इस तरीके से इसे डिसेबल कर सकते हैं। तो इसके साथ ही आज का वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और दोस्तों अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आया हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। दोस्तों अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो अपडेट वाला है ये भी यहाँ पर रुक गया है, तो इसके साथ ये अपडेट भी दोस्तों यहाँ पर अब रुक गया है। तो दोस्तों आज का हमारा वीडियो ये विंडोज़ अपडेट वाला डिसेबल था, तो ये विंडोज़ 10 का जो अपडेट था ये डिसेबल मैंने आपको करके दिखाया। ये दोस्तों अब देखें, अब हम फिर चलते हैं एक मरतबा यहाँ से, दोस्तों मैंने देखें डिसेबल कर दिया है। अब हम फिर एक मरतबा चेक करते हैं कि ये ऑन हुआ है कि नहीं हुआ है, तो उसके बाद अब हम अपना वीडियो ख़त्म करेंगे। दोस्तों यहाँ पे जाने के बाद आप सर्विस पे जाएं और फिर से मतलब विंडोज़ पे आए, विंडोज़ अपडेट पे आए ऊपर। ये दोस्तों देखें आप डिसेबल, दोस्तों ये कभी कभी ऑन हो जाता है, वैसे ऑन नहीं होता है। जब भी आपको लगे कि ये ऑन हो गया है तो आपके लैपटॉप या कंप्यूटर की परफॉर्मेंस कम हो जाएगी, इसे आप डिसेबल करें तो ये आपके लिए फ़ायदेमंद होगा दोस्तों। दोस्तों इसके साथ ही हम अपना आज का वीडियो ख़त्म करते हैं। दोस्तों अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन पे भी क्लिक कर दें, ताकि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, इसके साथ ही दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़ एंड गुड बाय।